स्टूडेंट्स कैसे आप सभी लोग आज हमारा मैथ्स का चैप्टर टेन जिसका नाम है मेजरिंग टाइम उसका हम प्रॉब्लम सेट फोर्टी फाइव करने वाले हैं ठीक है प्रॉब्लम सेट फोटी फाइव ये मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना ओके लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेलाइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे की भी वीडियोज़ मिलते रहे और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे ओके तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं देखो इसमें पहला क्या है आपको ऐड द फॉलोइंग यहाँ पे देखो आपको ऐड करने बोला गया है कैसे दिया देखो आपको टू आवर्स थर्टी मिनट प्लस फोर आवर्स फिफ्टी फाइव मिनट तो इसमें देखो आपको क्या ऐड करना है दो घंटा तीस मिनट में चार घंटा पचपन मिनट को ऐड करना है तो देखो हम क्या करेंगे जो यहाँ पे आर है मतलब जो घंटा है उसको यहाँ पे जो है उसको घंटे से ऐड करेंगे मतलब आर को आर से और जो मिनट है उसको मिनट से ऐड करेंगे अलग अलग रखेंगे तो हमें ऐड करने में आसानी होगी ठीक है तो चलो मैंने आपके लिए नोटबुक में लिख के रखा है आप भी पेन और बुक लेकर बैठ जाओ आप भी साथ साथ में लिखो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं तो यहां पे देखो हमारा प्रॉब्लम सेट फोर्टी फाइव का पहला है क्या था टू आवर्स थर्टी मिनट्स प्लस फोर आवर्स फिफ्टी फाइव मिनट्स हम क्या करेंगे यहां पे आर को हम यहां पे लिखेंगे और जो हमारा मिनट है वो यहाँ पे मतलब हमारा जो घंटा है यहाँ पे मिनट यहाँ पे तो देखो पहले कितना घंटा था दो घंटा तो हमने ये आर के नीचे ये दो घंटा लिख दिया फिर देखो यहाँ पे दो घंटा था और मिनट कितना था तीस मिनट तो ये मिनट के नीचे हम ये तीस मिनट लिख देंगे ठीक है ये हो गया ये वाला लिख दिया अब यहाँ पे आते हैं यहाँ पे कितना घंटा दिया गया है? फोर आवर मतलब चार घंटा तो हम ये घंटे के नीचे यहाँ पे फोर आवर लिखेंगे और मिनट कितना फिफ्टी फाइव मिनट तो ये मिनट के नीचे हम फिफ्टी फाइव लिख देंगे ठीक है अब इसे हम ऐड करते हैं तो देखो यहाँ पे जीरो प्लस फाइव कितना होगा देखो मैंने आपको बताया है पहले भी कि कोई भी नंबर में आप जीरो ऐड करो तो वो नंबर वैसा का वैसा ही रहता है चेंजेस कुछ नहीं होंगे मतलब जीरो प्लस फाइव क्या होगा फाइव ही रहेगा ठीक है जो बड़ा वाला नंबर रहेगा वो वैसा का वैसा ही होगा कुछ चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे फाइव उसके बाद क्या है थ्री प्लस फाइव देखो तीन में आप पाँच को जोड़ोगे क्या होगा देखो आप तीन उंगलिया निकालो इसमें पांच और जोड़ दो तीन के बाद क्या आता है देखो चार पाँच छः सात आठ मतलब फाइव प्लस थ्री कितना होता है एट होता है देखो ये फाइव फिर देखो ये थ्री है फाइव के बाद फाइव के बाद क्या आता है सिक्स सेवन एट मतलब फाइव प्लस थ्री क्या होता है एट या थ्री प्लस फाइव क्या होता है एट यहाँ पे एट आप लिख दो उसके बाद देखो यहां पे आर में कितना है दो है यहां पे टू है नीचे क्या फोर है तो टू प्लस फोर क्या होता है आप टू उंगलिया निकालो इसमें फोर और एड कर दो टू के बाद क्या होता है थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब कितना हुआ ये टू प्लस फोर कितना हो रहा है सिक्स तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे सिक्स मतलब हमें ऐड करके कितना मिला सिक्स आर एटी फाइव मिनट लेकिन आप आपको एक बात याद है एक घंटे में एक आर में कितने मिनट होते हैं सिक्सटी मिनट होते हैं साठ मिनट और यहाँ पे कितने मिनट है एटी फाइव मिनट है मतलब इसके अंदर से हमें एक घंटा मिलेगा मतलब तो सिक्सटी मिनट को हमें क्या करना है इसके अंदर से निकाल के उसको हम एक घंटा लिखेंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे हम ऐटी फाइव मिनट नहीं लिखने वाले हैं क्योंकि इसमें देखो साठ मिनट से ज़्यादा है मतलब तो इसके अंदर एक घंटा बन सकता है ओके तो हम क्या करेंगे आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है यहाँ पे आप लिखोगे 85 मिनट ये वाले लिखेंगे 85 मिनट इज इक्वल टू इसमें देखो 60 मिनट है जब हम इसमें से 60 मिनट अलग करेंगे तो क्या बचेगा प्लस 25 मिनट 85 मिनट में से आप अगर 60 मिनट निकालोगे तो क्या बचेगा ट्वेंटी फाइव मिनट ठीक है तो इसके लिए एटी फाइव मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं वन आर ठीक है अब देखो अब हम ये जो हमारा सिक्स आर एटी फाइव मिनट है इसको हम कैसे लिख देंगे देखो एटी फाइव मिनट को हमने कैसे लिखा वन आर ट्वेंटी फाइव मिनट हम क्या करेंगे जो वन आर हमने एटी फाइव मिनट में से निकाला है इसको सिक्स आर के साथ हम ऐड कर देंगे तो कैसे रहेगा सिक्स आर एटी फाइव मिनट इज इक्वल टू सिक्स प्लस ये वाला वन आर प्लस ट्वेंटी फाइव मिनट ठीक है तो कैसे हो जाएगा सिक्स प्लस वन क्या आता है छः में एक जोड़ोगे क्या होगा सेवन होगा ना तो मतलब हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेवन आर और ये क्या है ट्वेंटी फाइव मिनट यहाँ पे हो जाएगा हमारा ट्वेंटी फाइव मिनट ठीक है ये एडिशन का साइन नहीं डालना है बीच में ठीक है तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर तो आप मेन आंसर में क्या लिख दो यहाँ पे आंसर हमारा क्या मिला है सेवन आर सेवन आवर ट्वेंटी फाइव मिनट्स ओके चलो अभी सेकंड पे चलते हैं देखो सेकंड में आपको क्या दिया गया है यहाँ पे देखो सेकंड वाला है क्या है थ्री आवर्स फिफ्टी मिनट्स प्लस फोर आवर्स ट्वेंटी मिनट्स अब देखो इसको हमें ऐड करना है सेम क्या करना है अपको? आपको आपको जो आर जो रहेगा घंटा यहाँ पे लिखना है और मिनट यहाँ पे ठीक है तो इसमें देखो कितना आर है थ्री आवर्स तो हमने थ्री लिख दिया मिनट कितना है फिफ्टी मिनट्स तो हमने यहाँ पे फिफ्टी लिख दिया मिनट के नीचे अभी देखो यहाँ पे क्या है अब यहाँ पे फोर आवर्स है तो ये आर के नीचे हम ये फोर आवर्स लिख दिए उसके बाद यहाँ पे क्या है ट्वेंटी मिनट्स तो ये मिनट के नीचे हम यहाँ पे ट्वेंटी लिख दिए ठीक है तो ये हमें ऐड करना है तो अब देखो ऐड करते हैं जीरो प्लस ज़ीरो क्या होगा ज़ीरो ही रहेगा तो ये ज़ीरो आ जाएगा फाइव प्लस टू क्या होता है पाँच में आप दो जोड़ोगे क्या होगा तो देखो दो उंगलियाँ निकालो इसको पाँच में जोड़ो पाँच के बाद क्या होता है छः सात मतलब फाइव प्लस टू क्या होता है सेवन अब यहाँ पे थ्री है नीचे फोर है तो थ्री प्लस फोर क्या होता है अब तीन में चार जोड़ोगे क्या होगा तो चार देखो ये तीन है ठीक है तो आप हमें कितना जोड़ना है फोर जोड़ना है तो फोर उंगली निकालो अब ये हमें फोर उंगली जो हमारी है थ्री में ऐड करना है तो फोर के बाद क्या आता है सॉरी थ्री के बाद क्या आता है थ्री में ऐड करना है थ्री के बाद आता है फोर फाइव सिक्स सेवन मतलब थ्री प्लस फोर होता है हमारा सेवन सेवन तो हमें क्या मिल गया सेवन आवर सेवेंटी मिनट ठीक है लेकिन यहाँ पे भी देखो क्या है सेवेंटी मिनट है अगर जहाँ भी साठ मिनट से ऊपर रहा कोई भी मिनट में जब आप करोगे तो हमें उसमें से साठ मिनट को निकालना है उसको एक घंटा बनाना है और ये घंटे के साथ जोड़ देना है यहाँ पे भी देखो साठ मिनट से ऊपर है सत्तर मिनट है ठीक है तो हमें इसमें क्या करना है साठ मिनट निकालना है और उसको एक घंटा बना के ये वाले में जोड़ देना है अगर यही साठ मिनट से नीचे रहता पचास मिनट चालीस मिनट तीस मिनट तो हमें नहीं करना रहता है क्योंकि पचास चालीस तीस मिनट में एक घंटा नहीं बनता है ठीक है यहाँ पे क्या है सेवेंटी है जो साठ मिनट से ज़्यादा है मतलब एक घंटा इसमें से हम निकाल सकते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है आप यहाँ पे लिखोगे सेवेंटी मिनट इज इक्वल टू इसमें देखो कितना है एक घंटा किसे सिक्सटी मिनट सिक्सटी मिनट इसमें से निकाल के हम एक घंटा बना रहे तो क्या बचेगा इसमें सिक्सटी में से जब सेवेंटी में से आप सिक्सटी मिनट निकालोगे कितना बचेगा टेन मिनट और और बचेगा सिक्सटी प्लस टेन मिनट टेन मिनट और बचा तो ये सिक्सटी मिनट को हम घंटा बना देंगे ठीक है तो कैसे रहेगा देर फॉर सेवेंटी मिनट इक्वल टू वन आर कितने मिनट है टेन मिनट्स ओके इस तरीके से आपको करना है ठीक है जहाँ भी सिक्सटी मिनट के ऊपर रहा या सिक्सटी मिनट रहा तो वहाँ पे आपको उसको एक घंटा बना देना है और जितना मिनट एक्स्ट्रा रहेगा उसको आपको लिख देना है तो और जो घंटा बनेगा उसको हम इसके साथ जोड़ देंगे ठीक है जहाँ सिक्सटी मिनट के नीचे रहा समझ तो लो फिफ्टी नाइन मिनट फिफ्टी फाइव मिनट फोर्टी मिनट तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि वो एक घंटा नहीं बनने वाले है ठीक है देखो इसके लिए आप क्या लिख दोगे देयर फोर सेवन आर सेवेंटी मिनट सेवन आर सेवेंटी मिनट इज इक्वल टू सेवन आर प्लस ये वाला वन जो हमने निकाला यार वो जोड़ देंगे इसमें वन आर टेन मिनट ये वाला टेन मिनट हम साइड में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा सेवन प्लस वन क्या होगा साथ में एक जोड़ोगे कितना होगा एट होता है ना आठ तब यहाँ क्या लिख दो एट आर कितना मिनट है टेन मिनट ठीक है तो फाइनल आंसर कैसे लिख दोगे यहाँ पे यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है आंसर एट आर टेन मिनट ये हमारा फाइनल आंसर हमें यहाँ पे मिला है ओके चलो भी आगे बढ़ते हैं ओके okay, चलो अभी थर्ड पे चलते हैं थर्ड में देखो आपको क्या दिया गया है यहाँ पे थर्ड में आपको यहाँ पे दिया गया है थ्री आवर्स फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स प्लस वन आवर थर्टी फाइव मिनट इसे हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे वही सेम करेंगे हम इसको जो थ्री आर है उसको अलग लिखेंगे आर के नीचे और यहाँ पे थर्टी फाइव मिनट जो है जो मिनट्स है यहाँ पे लिखेंगे हम ठीक है तो देखो आर है हमारे यहाँ पे तो थ्री आर आर के नीचे आ जाएगा मतलब घंटे के नीचे और ये फोर्टी फाइव मिनट फोर्टी फाइव मिनट ये मिनट के नीचे आ जाएगा सेम ये वाला वन आवर यहाँ पे आ जाएगा आर के नीचे और थर्टी फाइव मिनट मिनट के नीचे आ जाएगा ठीक है अभी ऐड करते हैं तो देखो इसको जब आप ऐड करोगे मिनट में फाइव प्लस फाइव क्या होता है पाँच प्लस पांच क्या होता है देखो ये पांच उंगली है ये पाँच उंगली आपकी अप, दोनों हाथों की कितनी उंगली होगी दस उंगली होगी ना तो मतलब फाइव प्लस फाइव क्या होता है टेन होता है ठीक है तो टेन होता है तो हम क्या करेंगे टेन का जो हमारा हमारा जीरो रहेगा यहाँ पे आ जाएगा और वन जो रहेगा वो कैरी ओवर यहाँ पे हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे वन कैरी ओवर है हमारा याद रखना अब देखिए क्या फोर है नीचे थ्री है फोर प्लस थ्री क्या होता है चार में तीन जोड़ोगे क्या होगा तीन उंगलिया निकालो अब इसको फोर में ऐड करो फोर के बाद क्या होता है फाइव सिक्स सेवन मतलब फोर प्लस थ्री सेवन होता है और ये वन कैरी ओवर लेके क्या हो जाएगा सेवन प्लस वन क्या हो जाएगा एट तो हम यहाँ पे एट लिख देंगे ठीक है अब देखो यहाँ पे थ्री आ रहा है नीचे वन आ रहा है तो थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा तीन में एक जोड़ोगे क्या होगा देखो तीन उंगलियाँ है इसमें एक और उंगली जोड़ दो कितना हो गया देखो वन टू थ्री थ्री एक और जोड़ दिए फोर फोर होता है तो आप यहाँ पे फोर लिख दो तो हमें क्या मिला फोर आर एटी मिनट लेकिन देखो आप यहाँ पे सिक्सटी मिनट से वापस ज़्यादा है तो अब हमें इसमें से सिक्सटी मिनट को निकालना है उसको एक घंटा बनाना है और इसके साथ जोड़ देना है और सिक्सटी मिनट निकालने के बाद जो भी मिनट बचेगा वो हम अलग से लिख देंगे तो कैसे होगा देखो आप यहाँ पे लिखोगे एटी मिनट इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट इसमें से हमने एटी मिनट में से निकाला सिक्सटी मिनट निकालने के बाद प्लस कितने मिनट बचा सिक्सटी एटी में से आप सिक्सटी निकालोगे कितना बचेगा सिक्सटी के बाद के देखो क्या आता है सेवेंटी एटी मतलब बीस मिनट और बचे अगर आपको कन्फ्यूजन होता है ना तो आप एक काम कर सकते हो आप यहाँ पे साइड में एटी मिनट लिखो एटी मिनट लिखो और इसके नीचे सिक्सटी लिख दो सिक्सटी को माइनस करो देखो जीरो में से जीरो जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा जीरो ही रहेगा एट में से सिक्स अगर माइनस होगा कितना बचेगा अब देखो एट है इसमें से सिक्स माइनस करो ये पाँच उंगली और ये एक छः उंगली कितनी तो उंगली बची टू तो मतलब एट माइनस सिक्स हो टू मतलब जो एटी मिनट में से आप सिक्सटी मिनट निकालोगे अब आपको बचेगा ट्वेंटी मिनट ठीक है तो ये हो गया सिक्सटी मिनट हमने निकाल के लिखा और प्लस ट्वेंटी मिनट तो अब देखो ये सिक्सटी मिनट कितना बन जाएगा वन आवर और ये ट्वेंटी मिनट सेम टू सेम लिख देंगे ओके ठीक है तो हमें एटी मिनट से क्या बनाया हमने वन आवर ट्वेंटी मिनट अब देखो अब हम हमारा जो फोर आर एटी मिनट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो देखो फोर आर एटी मिनट इज इक्वल टू फोर ये प्लस ये वाला जो एक घंटा हमने निकाला है वो प्लस वन आर और ये ट्वेंटी मिनट सेपरेट रहेगा अलग रहेगा ठीक है तो फोर प्लस वन कितना हो जाएगा यहाँ पे फाइव फाइव आर यहाँ पे आपको फाइव आर लिख देना है और हमारा ये क्या है ट्वेंटी मिनट ठीक है तो आप फाइनल आंसर कैसे लिख दोगे हमारा फाइनल आंसर क्या है फाइव आवर्स ट्वेंटी मिनट्स ये आपको बाद आपको ये ध्यान में रखना है सिक्सटी मिनट से ज़्यादा आया तो आपको ये वाला प्रोसेस करना है ये आपको सेपरेट करना है सिक्सटी मिनट और सिक्सटी मिनट उसमें से निकालने के बाद कितना मिनट बचा वो लिखना है और उसके बाद जब सिक्सटी मिनट का आप एक घंटा बना दोगे उसको यहाँ पे जो आपको मिला रहेगा ये जो घंटा है चार घंटा पाँच घंटा जो भी उसमें एक घंटे को ऐड कर देना तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा ओके अब ठीक है चलो अभी अगले सम पर चलते हैं अगला क्या है हमको अब यहाँ पे आपको दिया गया है फोर आवर्स फिफ्टीन मिनट्स प्लस टू आवर्स फिफ्टी मिनट्स ठीक है तो हम क्या करेंगे सेम हमारा यहाँ पे आ रहेगा यहाँ पे मिनट तो आर के नीचे देखो तो फोर आर यहाँ पे आ गया उसके बाद फिफ्टी मिनट्स यहाँ पे आ गया फिर टू आर ईआर वाले आर के नीचे आ गया और फिफ्टी मिनट्स यहाँ पे आ गया अब ये ऐड करते हैं अब देखो फाइव प्लस ज़ीरो क्या होता है कोई भी नंबर में आप जीरो जोड़ो वो नंबर वैसे का वैसे ही रहेगा तो फाइव प्लस जीरो क्या रहेगा फ़ाइव ही होगा वन प्लस फाइव क्या होता है एक में आप पाँच जोड़ोगे क्या होगा समझ लो आपके पास एक रुपये हैं किसी ने पाँच रुपये और दे दिए कितने हो गए जगह हो जाएंगे छः रुपये ना देखो वन प्लस फाइव क्या होगा सिक्स ठीक है अब देखो यहाँ पे फोर है नीचे टू है फोर प्लस टू क्या होगा अब देखो आपके पास समझ लो फोर है इसमें टू और ऐड कर दो क्या आ जाएगा फोर के बाद क्या था फाइव सिक्स ये देखो दो और ऐड किया कितना हो गया फोर में ये हो गया सिक्स तो मतलब हमारे यहाँ पे जो है सिक्स तो मैं आंसर क्या मिला सिक्स आर सिक्सटी फाइव मिनट लेकिन देखो यहाँ पे यहाँ पे आपका क्या है साठ मिनट से ज़्यादा है कितना सिक्सटी फाइव मिनट है मतलब इसमें से भी हम क्या कर सकते हैं सिक्सटी मिनट को निकाल के एक घंटा बना के इसमें ऐड कर सकते हैं तो आप कैसे करोगे ये सिक्सटी फाइव मिनट यहाँ पर आप लिखोगे सिक्सटी फाइव मिनट इज इक्वल टू अब ये सिक्सटी फाइव मिनट में से जब आप साठ मिनट निकालोगे देखो ये सिक्सटी फाइव मिनट है आपका समझ लो इसमें से हमें साठ मिनट निकालना है ठीक है तो देखो फाइव में से जीरो देखो फाइव माइनस जीरो क्या होगा फाइव ही रहेगा ठीक है पाँच में से ज़ीरो निकालोगे तो पाँच ही रहेगा ना सिक्स माइनस सिक्स छः में से छः निकाल दो क्या बचेगा कुछ भी नहीं ना तो मतलब जीरो मतलब कि जो आप सिक्सटी फाइव मिनट में से सिक्सटी मिनट निकाले हो तो आपके पास क्या बचा है सिर्फ फाइव मिनट बचा है ठीक है सिर्फ फाइव मिनट तो क्या हो जाएगा सिक्सटी फाइव मिनट में से सिक्सटी मिनट निकाले प्लस सिर्फ फाइव मिनट बचा ठीक है तो इसके लिए सिक्सटी फाइव मिनट को आप कैसे लिख सकते हो ये सिक्सटी मिनट को हम कर देंगे वन आवर और ये फाइव मिनट सेम टू सेम आ जाएगा यहां पे ठीक है ये कर दिया हमने अब हमें क्या करना है जो हमें पे आर मिला है ये वाले आर के साथ घंटा जो हमें एक घंटा मिला है ये घंटे के साथ जोड़ देना है और ये पांच मिनट को अलग ही रखना है इसको कुछ नहीं करना है ठीक है तो देखो कैसे आप कर दोगे देयर फोर सिक्स आर फाइव मिनट इज इक्वल टू ये सिक्स प्लस वन तो देखो ये सिक्स हमारा ये है और प्लस वन जो हमने निकाला है उसको ऐड कर देंगे तो सिक्स प्लस वन आर प्लस फाइव मिनट तो सिक्स प्लस वन क्या होता है छह में एक जोड़ दोगे क्या हो जाएगा सात हो जाएगा ना सेवन तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा सेवन आर और ये कितना मिनट है फाइव मिनट ठीक है अब देखो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आप क्या लिख दोगे ये जो हमारा आंसर आया यही हमें सेम टू सेम लिख देना है हमारा ये फाइनल आंसर है क्या रहेगा आंसर सेवन आर फाइव मिनट्स ठीक है चलो भी आगे बढ़ते हैं हमारा फो ये फोर हो गया हमारा हमने क्या ऐड द फॉलोइंग कर लिया है अभी हमें सेकेंड वाले क्वेश्चन पे जाना है अगर आप देखोगे यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या है टेक्स्ट बुक में क्या है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग हमने यहाँ पे क्या किया था आर और मिनट मतलब घंटे और मिनट को ऐड किया था जोड़ा था यहाँ पे क्या करना है सबट्रैक्ट यहाँ पे हमें माइनस करना है घटाना है आर और मिनट को यहाँ पे ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ी कुछ चीजें याद रखनी है जो हम सम करते टाइम देखेंगे ठीक है तो हमारा टोटल कितना वन टू थ्री फोर चार है तो चलो मैंने नोटबुक में आपके लिए लिखा है अभी पेन और बुक लेके चलो स्टार्ट करते हैं लिखना तो यहाँ पे देखो चलो अगले पेज पे चलते हैं यहाँ पे देखो मैंने यहाँ से आपके लिए लिखा है सॉरी यहाँ पे नहीं हा, यहां है हाँ यहाँ से तो देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है देखो यहाँ पे क्या दिया है थ्री आर टेन मिनट्स इसमें से हमें क्या माइनस करना है टू आर फोर्टी मिनट देखो हमें सेम वैसे ही लिखना है जैसे हम एडिशन वाले में जो ऐड करते टाइम लिख रहे थे सेम रहेगा कैसे रहेगा देखो यहां पे यहां पे आपको आर लिखना है इसके नीचे और मिनट यहाँ मिनट के नीचे लिखना है ओके okay? तो देखो आर में हम क्या लिखेंगे थ्री आर ये हमारा आर के नीचे आएगा थ्री और टेन हमारा मिनट के नीचे आएगा टेन उसके बाद क्या है टू आवर्स फोर्टी मिनट तो ये टू आर हमारा आर के नीचे आएगा जो फोर्टी मिनट के नीचे फोर्टी आ जाएगा अब इसे हम माइनस करते हैं अब देखो जीरो माइनस जीरो क्या होता है मैंने आपको क्या बताया जीरो माइनस जीरो क्या होता है अगर कोई भी नंबर से आप जीरो माइनस करो नंबर वैसे का वैसे ही रहेगा ऊपर तो दे देखो पहले से जीरो था नीचे भी जीरो था तो आंसर क्या आएगा जीरो देखो अगर ऊपर और नीचे दोनों जीरो रहे ना तो आंसर भी आपका जीरो अब देखो, पे क्या? वन, अब नीचे फोर है तो वन माइनस फोर क्या होता है अब देखो हमने इससे पहले जब हमने सब्ट्रेक्शन किया था हमने एक बात क्या सीखी थी अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा हो तो हम माइनस नहीं कर सकते हैं ठीक है हमें हमें क्या करना पड़ेगा बोरो करना पड़ेगा बाजू वाले नंबर से अब देखो ये जाएगा बाजू वाले नंबर के पास ये थ्री है इससे क्या बोलेगा कि मुझे एक दे दो तो ये क्या करेगा अपना एक इसको देगा लेकिन क्या होगा देखो ये समय क्या होगा आपको बात ध्यान में रखना है जब ही ये वन इसके पास जा रहा है तो ये क्या है वन क्या है ये मिनट है ठीक है ये क्या है मिनट है कितना मिनट है ये टेन मिनट है ठीक है तो जब मिनट आर के पास एक घंटे के पास जाएगा तो ये क्या करेगा ये इसको कितना देगा एक घंटा देगा ना तो एक घंटा मतलब कितना होता है एक घंटा मतलब होता है साठ मिनट तो ये जब थ्री आर अपना एक घंटा इसको देगा तो ये दस मिनट को साठ मिनट और मिल जाएंगे तो मतलब कि ये दस मिनट में साठ मिनट और ऐड होके क्या बन जाएगा साठ प्लस दस क्या होगा साठ रुपए आपको दस रुपये और कुछ दे दिया कितना जगह सत्तर तो मतलब ये जो दस मिनट है इसको जब सात साठ मिनट और मिल जाएगा सिक्सटी मिनट तो ये जब ये बन जाएगा सेवनटी मिनट तो आप यहां पे लिख सकते हो यहाँ पे ये दस मिनट बन जाएगा सेवनटी सेवेंटी मिनट बन जाएगा ठीक है अब हम इसे सब करते हैं ओके अब देखो यहां पर जीरो टू तो जीरो सेम ही होगा अब ये क्या होगा गया सेवन है तो सेवन माइनस क्या हो जाएगा सात में से आप चार निकालोगे क्या बचेगा देखो ये पांच उंगलियां हैं ये सात कितना है ये पांच और ये छह सात अब इसमें से हमें क्या करना है फोर माइनस करना है तो इसमें से फोर कम करो वन टू थ्री फोर कितनी उंगली बची देखो वन टू थ्री थ्री उंगली बची ना सिर्फ तो मतलब सेवन माइनस फोर होता है थ्री ओके अभी देखो ये थ्री ने अपना ये थ्री आर ने ये तीन घंटे ने अपना एक घंटा इसको दे दिया था तो ये कितना खुद बन जाएगा एक घंटा जब इसको दिया तो ये दो घंटा बन जाएगा ओके ये दो घंटा बन गया तो ये दो घंटा माइनस ये दो घंटा कितना होगा दो घंटे में, में से दो घंटा आपके पास समझ लो इसमें से दो घंटा निकाल दो एक घंटा दो घंटा कितना बचा कुछ भी नहीं मतलब जीरो तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा आंसर क्या मिला थर्टी मिनट सिर्फ देखो यहां पे तीस मिनट है यहां पे जीरो आ गया यहां पे कुछ भी नहीं है तो हमारा आंसर है तीस मिनट ठीक है तो अभी चलो हम चलते हैं सेकंड की तरफ देखो यहां पे सेकंड में आपको क्या दिया गया है सेकंड में अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है आपको फाइव आवर्स ट्वेंटी मिनट्स इसको हमें किससे माइनस करना है टू आवर्स थर्टी फाइव मिनट्स ठीक है तो कैसे लिखेंगे हम सेम लिखेंगे जैसे लिखते थे यहाँ पे हमारा आर आएगा और यहाँ पे मिनट तो आर के नीचे हमारा पहले क्या आ जाएगा ये फाइव आर यहाँ पे आर के नीचे आ गया फिर तो ट्वेंटी तो मिनट्स हमारा ये मिनट के नीचे उसके बाद क्या है टू आवर्स थर्टी फाइव मिनट्स तो ये टू आर हमारा यहाँ पे आर के नीचे आ जाएगा टू आर और ये थर्टी फाइव मिनट हमारा मिनट के नीचे आएगा ये थर्टी फाइव ओके अब इसको हमें क्या करना है माइनस करना है लेकिन देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे ट्वेंटी है नीचे क्या है थर्टी फाइव है जो ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर बड़ा है हम बीस मिनट में से पैंतीस मिनट निकाल सकते हैं क्या नहीं ना तो हमें अगर वैसा करना है हमें क्या करना है पहले ये जो है बीस मिनट यहाँ से एक बोरो करेगा तो ये जो पाँच घंटा है जब ये बीस मिनट को अपना एक घंटा देगा तो मतलब कितना मिनट दे रहा है एक घंटे में कितने मिनट होते साठ मिनट मतलब कि ये साठ मिनट दे रहा है तो जब बीस मिनट में साठ मिनट मिलेगा कितना बन जाएगा देखो आप ये जो पाँच घंटा है ये अपना एक घंटा ये लोग को दे रहा है मतलब कितना दे रहा है साठ मिनट दे रहा है एक घंटे में साठ मिनट होता है और ये कितना बीस मिनट है तो साठ मिनट में बीस मिनट मिल कितना बन जाएगा देखो जीरो प्लस जीरो जीरो ही रहेगा सिक्स प्लस टू क्या होगा छः में दो जोड़ो छः में दो जोड़ोगे छः के बाद क्या कहता है सात आठ मतलब एट हो गया तो मतलब जब ये ये बीस मिनट को यहाँ से एक घंटा मिलेगा मतलब कि एक घंटा मतलब साठ मिनट मिलेगा तो ये बन जाएगा अस्सी मिनट ठीक है तो ये हमारा बन जाएगा एटी मिनट ठीक है अब हम माइनस कर सकते हैं अभी देखो ये जो फाइव आर था इसने अपना एक घंटा इसको दिया तो ये पांच घंटा जो रहेगा खुद बन जाएगा चार घंटा ठीक है अब देखो हम माइनस जब करेंगे तो यहां पे हमारा क्या बन गया था ये अस्सी मिनट बन गया था? ये जीरो है नीचे फाइव है अभी भी देखो ऊपर जीरो नीचे फाइव ऊपर वाला नंबर नीचे वाला छोटा है तो अभी भी हम माइनस नहीं कर सकते ये जीरो क्या करेगा अपने बाजू वाले से वन मांगेगा तो ये एट जो है ये इसको क्या करेगा अपना वन दे देगा ठीक है तो जब ये एट इसको अपना वन देगा खुद बन जाएगा अराउंड सेवन सो इट विल बी सेवन ठीक है तो यहाँ पे सेवन बचा और ये वन जब यहाँ पे जाएगा तो ये जीरो क्या बन जाएगा टेन ओके टेन बन गया देखो ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको याद रखना है ओके okay? ये ईजी होगा इसे तो यहाँ पे टेन है अब देखो टेन माइनस फाइव क्या होता है दस में से पाँच निकालो क्या बचेगा देखो आप अपनी दस उंगली निकालो इसमें से पाँच उंगली कम कर दो कितनी बचे पाँच उंगली तो मतलब टेन माइनस फाइव क्या होता है फाइव ओके अब देखो ऊपर क्या हमारा बचा है यहाँ पे ये एट ने अपना वन इसको दे दिया था तो क्या हो गया था टेन ठीक है तो ये खुद क्या बन गया था सेवन अब सेवन माइनस थ्री क्या होता है सात में से आप तीन निकालो क्या बचेगा देखो ये पांच उंगली और ये छः सात इसमें से तीन आपको निकालना है थ्री माइनस करना है तो वन टू थ्री कितना बचा फोर तो मतलब सेवन माइनस थ्री क्या होता है फोर अब यहाँ पे देखो ये फाइव ने अपना वन आवर मतलब एक घंटा ये लोग को दे दिया था तो क्या वन गया था फोर आवर तो यहाँ पे फोर है हमारा नीचे टू है तो फोर माइनस टू क्या होगा चार उंगलिया निकालो इसमें से दो उंगली कम करो वन टू कितनी उंगली बची देखो दो उंगली तो मतलब फोर माइनस टू होता है हमारा टू तो मतलब फाइनल आंसर हमारा क्या जाएगा क्या मिला हमें टू आवर फोर्टी फाइव मिनट तो आप ऐसे लास्ट में लिख दो हमारा आंसर गया टू आवर्स फोर्टी फाइव मिनट्स ओके चलो अभी थर्ड पे चलते हैं और देखो यहाँ पे थर्ड में आप देखोगे थर्ड में आपको क्या बोला है फोर आवर्स ट्वेंटी फाइव मिनट्स क्या हमें इसमें से माइनस करना है क्या घटाना है वन आर फिफ्टी फाइव मिनट ठीक है तो सेम ऐसी आपको लिखना है यहाँ पे आर यहाँ पे मिनट पहले कितना आर था फोर आर तो आर के नीचे फोर आ जाएगा फिर कितना था ट्वेंटी फाइव मिनट तो ये मिनट के नीचे ट्वेंटी फाइव उसके बाद कितना आ रहा है वन रहा है यहाँ पे तो ये आर के नीचे हमारा वन आ जाएगा और फिफ्टी फाइव मिनट तो ये मिनट के नीचे हमारा फिफ्टी फाइव आ जाएगा ठीक है अब देखो हम माइनस करते हैं लेकिन यहाँ पे देखो क्या है ट्वेंटी फाइव है नीचे फिफ्टी फाइव है नीचे वाला जो नंबर है ऊपर वाले से बड़ा है तो हम माइनस नहीं कर सकते हैं अब हम काम करते हैं बाजू वाले से एक बोरो कर लेते हैं ओके तो ये जो आर है फोर आर है ये अपना वन इस इन लोग को देगा तो मतलब क्या दे रहा है वन आर दे रहा है मतलब एक घंटा दे रहा है तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं साठ मिनट मतलब कि ये अपना वन आर जब देगा मतलब यहाँ पर कितना जाएगा साठ मिनट जाएगा तो ये पच्चीस मिनट में साठ मिनट जाके मिलेगा तो कितना होगा तो देखते हैं यहाँ पर यहाँ पे हमारा सिक्सटी मिनट ये कितना है ट्वेंटी फाइव मिनट इसको ऐड करके कितना हमारा बन जाएगा अब देखो यहाँ पे ज़ीरो है नीचे फाइव जीरो प्लस फाइव क्या होगा फाइव ही रहेगा और यहाँ पे सिक्स है नीचे टू है सिक्स प्लस टू क्या होता है सिक्स के सिक्स प्लस टू देखो डूंगलिया निकालो सिक्स में ऐड करो सेवन एट मतलब एट होगा तो क्या हो गया हमारा ये एट्टी फाइव मिनट मतलब कि जब ट्वेंटी फाइव में ये वन आर अपना देगा मतलब साठ मिनट देगा एड क्या बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा एट्टी फाइव मिनट ठीक है अब चलो हम माइनस करते हैं अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या है आपका फाइव है और यहाँ पे जो माइनस करना है वो भी फाइव है तो पाँच में से पाँच निकलेगा क्या बचेगा पांच उंगलियाँ निकालो पांच उंगली कम करो क्या बचा कुछ भी नहीं मतलब जीरो यहाँ पे जीरो आ जाएगा उसके बाद देखो क्या है आपको ऊपर एट है नीचे फाइव है तो एट माइनस फाइव क्या होता है पाँच उंगलिया निकालो इसमें तीन उंगली और एट बनाओ इसको पाँच में उसके बाद क्या होता है छः सात आठ ही होगी आठ उंगली अब आठ उंगली में से हमें कितना माइनस करना है पाँच तो आठ में से अगर आप ये पाँच माइनस कर दो ये पाँच उंगलियाँ कम कर दो कितनी उंगली बची वन टू थ्री दट तो माइनस फाइव क्या होता है थ्री अब यहाँ पे देखो फोर था लेकिन हमने यहाँ थोड़ा वो करना भूल गए जब फोर अपना वन आर ये लोग को दिया तो ये फोर कितना खुद कितना बन गया थ्री वन अपना ये लोग को दे दिया ना तो थ्री आर बन गया तो थ्री माइनस वन क्या होता है तो तीन उंगलियाँ निकालो इसमें से वन कम करो कितना बचा वन टू मतलब कि थ्री माइनस वन क्या होता है टू तो फाइनल आंसर कैसे लिख दूंगा यहाँ पे हमें क्या मिला टू आवर्स एंड थर्टी थर्टी मिनट्स ओके चलो भी फोर्थ वाला देखते हैं फोर्थ में क्या आपको यहां में है आपको यहाँ पे फोर्थ में बोला है सिक्स आवर्स फिफ्टीन मिनट्स माइनस टू आवर्स फोर्टी फाइव मिनट्स मतलब हमें क्या करना है ये इसमें से इसको घटाना है माइनस करना है तो क्या करेंगे सेम वही यहाँ पे आर और यहाँ पे मिनट पहले कितना आता था सिक्स आर तो यहाँ पे सिक्स आर कितना मिनट है फिफ्टीन मिनट तो मिनट के नीचे फिफ्टीन यहाँ पे कितना टू आर्स तो यहाँ पे आर के नीचे टू एंड देन यहाँ पे क्या है फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट तो ये मिनट के नीचे फोर्टी फाइव ठीक है लेकिन देखो क्या हो रहा है यहाँ पे ऊपर क्या है फिफ्टीन मिनट है नीचे फोर्टी फाइव मिनट है नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से बड़ा है तो माइनस नहीं होगा तो क्या होगा ये लोग क्या करेंगे अपने बाजू वाले से बोरो करेंगे तो ये जो सिक्स है अपना वन ये लोग को दे देगा क्या करेगा वन क्या देगा वन मिनट नहीं वन घंटा देगा एक घंटा देगा तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं सिक्सटी मिनट मतलब कि जब यहाँ से ये मिनट के पास जाएगा तो सिक्सटी मिनट जाएगा और ये जब सिक्स ये अपना वन ये लोग को देगा ये खुद बन जाएगा क्या फाइव खुद फाइव बन गया ये और जब यहाँ पे ये एक घंटा जा रहा है मतलब साठ मिनट जा रहा है तो ये पंद्रह में जब हमारा साठ मिनट ऐड होगा क्या बन जाएगा देखो साठ मिनट प्लस पंद्रह मिनट क्या बन गया ज़ीरो प्लस फाइव क्या 5 होता है फाइव होता है सिक्स प्लस वन क्या होता है सेवन होता है तो क्या हो गया सेवेंटी फाइव मतलब हमारा यहाँ पे बन जाएगा ये सेवेंटी फाइव मिनट ठीक है अब चलो हम इसको माइनस करते हैं फाइव माइनस फाइव क्या होगा पाँच उंगली निकालो इसमें से पाँच कम करो कितनी बची कुछ भी नहीं मतलब फाइव सॉरी फाइव प्लस फाइव नहीं मैंने गलत बोल दिया फाइव माइनस फाइव क्या होता है तो पाँच उंगली निकालो पाँच इसमें से कम करो क्या होगा कुछ भी नहीं मतलब ज़ीरो तो पर आपका ज़ीरो हो जाएगा अब देखो यहाँ पे क्या है सेवन है और नीचे क्या है फोर है तो सेवन माइनस फोर क्या होगा तो सात में से चार निकालो क्या बचेगा देखो ये पांच उंगली ये छः सात इसमें से हमें कितना निकालना है फोर निकालना है तो वन टू थ्री फोर कितनी उंगली बची थ्री तो मतलब सेवन माइनस फोर क्या होता है थ्री होता है अब देखो यहाँ पे हमारा सिक्स ने अपना वन ए लोग को दे दिया था खुद फाइव बन गया था तो फाइव माइनस टू क्या होता है पांच में से दो उंगलिया कम करो वन टू कितनी उंगली बची थ्री तो मतलब फाइव माइनस टू क्या होता है मतलब फाइव माइनस टू क्या होता है था था था। होता है तो हमें क्या मिला थ्री आर थर्टी मिनट अब तो फाइनल आंसर कैसे लिख है थ्री आवर्स थर्टी मिनट ओके आई चलते हैं क्वेश्चन है। नंबर वन एंड टू कंप्लीट हो गया ठीक है हमने ये वाला और ये वाला पूरा कर लिया अब आते हैं थर्ड वाले पे ठीक है थर्ड वाले में देखो क्या है आपको अ गवर्नमेंट ऑफिस ओपन एट सेवन इन द मॉर्निंग क्या बोले एक गवर्नमेंट ऑफिस है गवर्नमेंट दफ्तर है सरकारी दफ्तर जो सात बजे सुबह में खुलता है एंड क्लोज थ्री इन द आफ्टरनून और क्या बंद कब कब होता है वो सरकारी दफ्तर तीन बजे दोपहर को हाउ लॉन्ग इज़ दिस ऑफिस ओपन अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कितने समय तक ये जो दफ्तर है ये ऑफिस है खुला था तो देखो यहाँ पे अगर हमें जानना है कि कितने टाइम तक तो ऑफ़िस खुली थी तो हमें क्या करना है सबसे पहले हम सुबह के जब सुबह से जब दिन स्टार्ट होता है कब दिन स्टार्ट होता है हमारा सुबह एक बजे से तो एक बजे से लेके कर तीन बजे तक कितना टाइम हुआ वो देखना है और इसमें कितने टाइम ऑफ़िस नहीं खुली थी वो हम माइनस कर देंगे तब हमें पता चल जाएगा ऑफ़िस कितने टाइम तक खुली थी थोड़ा कन्फ्यूज़न है चलो हम करते हैं हमें सब मालूम पड़ेगा देखो यहाँ पर आप अगर देखोगे यहाँ पर हमारा सोल्यूशन है तो देखो यहां पे आप कैसे लिखोगे अकॉर्डिंग टू ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक सेवन इन द मॉर्निंग मीन्स सेवन देखो यहाँ पे क्या कैसे आप लिखोगे कि चौबीस घंटे के हिसाब घड़ी के हिसाब से सात बजे सुबह का मतलब क्या होता है सात देखो जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम करोगे ना इसमें आपको चौबीस घंटे की घड़ी के, के हिसाब से आपको टाइम लिखना पड़ेगा ठीक है तो देखो सुबह के सात बजे मतलब सात बजते हैं देखो हमारी जो घड़ी रहती है वो कैसे बारह घंटे की रहती है जब दोपहर के बारह बजते हैं तो हम वापस क्या बोलते हैं अब जब 12 बज जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं अब दोपहर के एक बजे हैं दो बजे है, लेकिन जो 24 घंटे की घड़ी रहती है ना उसमें जब दोपहर को 12 बजते हैं उसके बाद एक नहीं बजता है उसके बाद बजता है तेरह चौदह पंद्रह तो जब हमें वर्ड प्रॉब्लम करना है ना तो हमें इसी इसी तरीके से करना हम एक दो तीन दोपहर का नहीं बोल सकते हम बोल सकते हैं दोपहर के तेरह बजे हैं चौदह बजे हैं पंद्रह बजे हैं सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस रात के जब ग्यारह बजते तो क्या रहता है तेईस बजे रहते हैं और रात के बारह बजे को चौबीस बजे बोलते हैं ठीक है तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम करना है ठीक है तो सुबह के सात बजे तो सात बजे रहते हैं सुबह का टाइम वैसे ही रहता है चौबीस घंटे की घड़ी में लेकिन जहाँ दोपहर का टाइम शुरू होता है अब देखो क्या है तीन दोपहर के तीन बजे मतलब कितना बजे बारह बजे के बाद देखो एक दो तीन लेकिन चौबीस घंटे की घड़ी में क्या होता है बारह के बाद क्या होता है तेरह चौदह पंद्रह मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो घड़ी है वो जो शॉप है कितने बजे बंद हुई जो गवर्नमेंट जो ऑफिस है सॉरी शॉप नहीं जो गवर्नमेंट ऑफिस है तीन बजे बंद हुई मतलब पंद्रह बजे बंद हुई किस में चौबीस घंटे की घड़ी में तो क्या होगा अब देखो हम क्या करेंगे जो पंद्रह घंटे है इससे हम सात घंटे को माइनस कर देंगे ठीक है क्योंकि देखो सात बजे तक दुकान नहीं खुली थी तो ये हम माइनस करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा दुकान कितने बजे तक खुली थी ठीक है तो चलो करते हैं यहाँ पे हमारा आर है यहाँ पे मिनट है वही सेम हम जो पीछे किए हैं वैसे करेंगे तो हमारे यहाँ पे आर यहाँ पे घंटा आएगा और यहाँ पे मिनट आएगा तो हमें यहाँ पे कितने घंटे में से कितना घंटा माइनस करना है पंद्रह घंटे में से सात घंटा क्योंकि सात घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ था सुबह के एक दो तीन चार पाँच छः सात बजे तक कुछ नहीं हुआ था डायरेक्ट सात बजे दुकान खुली थी ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारा पहले पहले आर में हमारे घंटे में क्या जाएगा ये फिफ्टीन फिफ्टीन और मिनट कितने हैं ज़ीरो ज़ीरो मिनट कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो ज़ीरो और इसके बाद दुकान खुली कितने बजे सात बजे तो यहाँ पे हमारा सेवन देखो हम सेवन यहाँ पे नहीं लिखेंगे सेवन यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सेवेंटी सत्तर घंटा हो जाएगा हम यूनिट प्लेस में लिखेंगे यहाँ पे ठीक है एक नंबर है ना तो यूनिट मतलब इसके नीचे आएगा तो हमारा सेवन आ जाएगा और कितना मिनट था कुछ भी नहीं है तो जीरो जीरो अब देखो आप इसको माइनस करो अब देखो मिनट यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमारा मतलब जीरो में से ज़ीरो माइनस होगा जीरो यहाँ भी ज़ीरो अब देखो फिफ्टीन में से सेवन माइनस करो क्या बचेगा फिफ्टीन में से सेवन माइनस करोगे कितना बचेगा बताओ तो देखो आप फिफ्टीन अब तो फिफ्टीन उंगली तो निकाल नहीं सकते हम हाथ पे हमारे पास फिफ्टीन उंगली तो होती नहीं आप क्या करो सेवन के बाद काउंटिंग शुरू करो फिफ्टीन पे जाकर रुक जाओ सेवन के बाद क्या है एट एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन मतलब कि जब फिफ्टीन में से सेवन माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा एट मिलेगा फाइव ये सिक्स सेवन एट ठीक है आपको एट मिलेगा तो आप यहाँ पे एट लिख दो ठीक है तो मतलब क्या हुआ हमारी दुकान कितने बजे खुली आ, कितने टाइम तक तो खुली रही है एट आवर तक आठ घंटे तक आप फाइनेंशियल क्या लिख दोगे द ऑफिस रिमेंड ओपन फॉर एट आवर्स ठीक है मतलब कि जो ऑफिस थी वो आठ घंटे तक खुली थी ठीक है ना अभी चलते हैं फोर्थ पे अब देखो यहाँ पे फोर्थ में आप देखोगे क्या दिया गया है यहाँ पे फोर्थ में आपको अ मूवी आपका एट फोर्टी फाइव पास्ट पास इन द आफ्टरनून देखो यहाँ पे क्या बोले कि एक मूवी है जो स्टार्ट हो रही है फोर्टी फाइव मिनट पास्ट थ्री मतलब कि जहाँ पे फोर्टी फाइव मिनट पास्ट जहाँ पे दिया है ना मतलब कि ये जो टाइम है उतने बज के उतने मिनट हो चुके हैं तो कितना है देखो क्या बोले एक मूवी स्टार्ट हो रही है तीन बज के पैंतालीस मिनट पे कभी दोपहर में ठीक है एंड फिनिशेस टू एंड हाफ आवर्स लेटर और क्या बोले मूवी ख़त्म होती है दो घंटा और हाफ आवर मतलब कि ढाई घंटे बाद वो मूवी ख़त्म होती है मतलब तो दो घंटा हाफ आवर मतलब क्या होता है तीस मिनट ना ठीक है एक घंटे को आप आधा करोगे कितना होगा तीस मिनट मतलब तो कि दो घंटे तीस मिनट बाद वो मूवी खत्म होती है एट वॉट टाइम डज द मूवी एंड अब आपको क्या बोल रहे हैं कितने बजे मूवी ख़त्म हुई ये देखो एकदम सिंपल है अगर आपको जानना है मूवी कितने बजे ख़त्म हुई तो क्या करना है आपको आपको सिर्फ एक काम करना है कि ये जब जितने बजे मूवी स्टार्ट हुई थी उतने टाइम में हमें जित जितने टाइम मूवी चली है वो ऐड कर देना है ठीक है तो तीन बज के पैंतालीस मिनट में स्टार्ट हुई थी दो घंटे तीस मिनट चली थी तो ये ऐड कर देंगे हमें पता चलेगा कितने बजे खत्म हुई थी तो चलो करते हैं यहाँ पे देखो कि आपको टू एंड ए हाफ आवर्स मीन्स टू आवर थर्टी मिनट ये तो मैंने आपको बताया दो घंटा दो और आधा घंटा मतलब क्या होता है मतलब कि दो घंटा तीस मिनट टू आर थर्टी मिनट इसको हमें क्या ऐड करना है कितने में थ्री आर फोर्टी फाइव मिनट जितने बजे मूवी स्टार्ट हुई थी ठीक है तो हमारा आर यहाँ पे आ जाएगा मिनट यहाँ पे आ जाएगा मूवी कितने बजे स्टार्ट हुई थी थ्री आर फोर्टी फाइव मिनट पे ठीक है और कितने टाइम चली थी टू आर थर्टी मिनट तो ये टू आर हमारा आर के नीचे आ जाएगा थर्टी मिनट हमारा ये मिनट के नीचे आ जाएगा ओके तो देखो अभी फ़ाइव यहाँ पे हमारा ऊपर है नीचे ज़ीरो है तो फाइव प्लस ज़ीरो क्या हो जाएगा फाइव ही रहेगा सेम ठीक है अब ऊपर फोर है नीचे थ्री है तो फोर प्लस थ्री क्या हो जाएगा चार में तीन जोड़ो क्या होगा फोर उसके बाद क्या होता है फाइव सिक्स सेवन तो ये देखो ये तीन हमने फोर में जोड़ा क्या हो गया सेवन तो फोर प्लस थ्री हमारा होगा सेवन यहाँ पे सेवन लिख दो अब देखो यहाँ पे क्या थ्री है नीचे टू है थ्री प्लस टू क्या होता है तीन आप उंगली निकालो इसमें दो उंगली और ऐड कर दो देखो थ्री के बाद क्या होता है फोर फाइव देखो दो उंगली और ऐड के क्या हो गया फाइव मतलब तो यहाँ पे आपका जाएगा फाइव ठीक है अब देखो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है सेवेंटी फाइव मिनट आ रहा है हमने क्या सीखा था एडिशन के टाइम कि अगर सिक्सटी मिनट से ऊपर रहा तो हमें उसमें से साठ मिनट निकाल के उसको एक घंटा बनाना है और इसमें ऐड कर देना है तो यहाँ पे देखो 60 से ऊपर है 75 फाइव मिनट है इसमें से 60 मिनट निकालेंगे और इसको ऐड कर देंगे ये हम आर में ऐड कर देंगे तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पे आपको करना है 75 फाइव मिनट इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट इसमें से हमने 60 मिनट निकाला तो हमारा क्या बच गया उसके बाद 60 मिनट निकालने के बाद पंद्रह मिनट और बच गया ठीक है तो सिक्सटी मिनट मिनट प्लस फिफ्टीन मिनट ये हमारा पंद्रह मिनट और बच गया इसमें से सिक्सटी मिनट निकालने के बाद अब देखो इसके लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं हम जो देखो हमने यहाँ पे सेपरेट किया है देर फॉर सेवेंटी फाइव मिनट सिक्सटी मिनट को हम लिख देंगे वन आवर एंड ये फिफ्टी मिनट हमारा सेम टू सेम ठीक है तो ये हमारा गया फाइनल आंसर अब देखो अब हमें क्या करना है अब हमने सेवेंटी फाइव मिनट को क्या बना दिया एक घंटा पंद्रह मिनट अब हम ये फाइव आर सेवनटी फाइव मिनट को कैसे लिखेंगे देर फॉर फाइव आर सेवेंटी फाइव मिनट इज इक्वल टू ये एक घंटा फाइव आर में ऐड हो जाएगा फाइव आर प्लस वन आर 15 मिनट ये 15 मिनट वैसे का वैसे ही रहेगा तो पांच में जब एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा सिक्स सिक्स आर ये 15 मिनट सेम रहेगा ठीक है ठीके? तो हमारा फाइनल आंसर आप क्या लिख दोगे द मूवी एंड्स एट सिक्स आर्स फिफ्टीन मिनट मतलब कि जो मूवी है वो खत्म हो रही है छः बजकर पंद्रह मिनट पे ठीक है ये हो गया हमारा फोर्थ अभी फिफ्थ पे चलते हैं देखो फिफ्थ पे आपको क्या दिया गया है अभी अगर आप फिफ्थ में देखोगे क्या देखो क्वेश्चन फिफ्थ सखाराम वॉज प्लविंग द फील्ड फ्रॉम एट इन द मॉर्निंग क्या बोले जो ये सखाराम है ये अपने खेत को प्लविंग मतलब जोत रहा था सुबह आठ बजे से एट ट्वेल्व थर्टी इन द आफ्टरनून ही स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड फॉर होम और क्या बोले कि साढ़े बारह बजे उसने खेत को जोतना बंद किया और वो अपने घर की तरफ चला गया ही रीज्ड होम एट वन थर्टी और क्या बोले है? वो अपने घर पहुंचा एक बज के तीस मिनट पर कभी दोपहर के समय हाउ लॉन्ग वॉज ही प्लविंग द फील्ड और क्या बोले है? अब कि कितने समय तक उसने अपने खेत को जोता हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हिम टू रीच होम फ्रॉम द फील्ड और क्या पूछ रहे हैं कि कितना समय लगा उसे अपने घर पहुंचने में खेत से अपने घर पहुँचने में कितना समय लगा हमें यहां पे दो चीजें बतानी है पहले कि उसने कितने समय तक समय तक अपने, अपने खेत को जोता और दूसरी चीज़ खेत से वो घर कितने समय में पहुंचा ठीक है तो हम दोनों करेंगे टेंशन मत दो पेन और बुक लेकर बैठो साथ साथ में करते हैं तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है देखो सुबह एक बजे हमारा दिन स्टार्ट होता है ठीक है तो साढ़े बारह बजे तक इसने क्या किया है साढ़े बारह बजे काम करके निकला खेत से लेकिन इसने काम कब शुरू किया था सखाराम ने आठ बजे सुबह में तो मतलब कि इसने क्या किया था सुबह के एक बजे से लेके आठ बजे तक इसने कुछ भी नहीं किया था तो हम क्या करेंगे ये साढ़े बारह में से हम एट आवर्स जो आठ बजे है इसको माइनस कर देंगे तब हमें पता चलेगा उसने कितने टाइम काम किया तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पे देखो कैसे लुक गए आप जो हमारा साढ़े बारह बजे देखो सेम वही करेंगे यहाँ पे हमारा आ रहेगा यहाँ पे मिनट आएगा ठीक है तो यहाँ पर ट्वेल्व आ रहा है हमारा यहाँ पे थर्टी मिनट है ओके तो कितने बजे काम उसने रोका था बारह बारह बज के तीस मिनट पर ठीक है और कब शुरू किया था उसने आठ बजे तो आठ मिनट कितने आएगा ज़ीरो ज़ीरो तो देखो मतलब सुबह से एक बजे से लेकर आठ बजे तक कुछ नहीं कुछ नहीं किया था तो वो हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कितने टाइम उसने काम किया था देखो ज़ीरो माइनस ज़ीरो क्या होगा ज़ीरो ही रहेगा थ्री माइनस ज़ीरो क्या होगा थ्री ही रहेगा अब देखो यहाँ पे क्या है ट्वेल्व है ऊपर नीचे एट है तो ट्वेल्व माइनस एट क्या होता है अब देखो आप अपने हाथ पे बारह उंगलियां तो निकाल नहीं सकते तो आपको क्या करना है एट से काउंटिंग एट के बाद काउंटिंग शुरू करना है और ट्वेल्व पर जाकर रुक जाना है तो आपको मालूम पड़ेगा ट्वेल्व माइनस एट क्या होता है तो एट के बाद क्या होता है नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व मतलब कि ट्वेल्व में से जब आप एट निकालोगे क्या बचेगा फोर ठीक है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे फोर मतलब कि सखर ने कितने टाइम खेत में काम किया फोर आर थर्टी मिनट ठीक है अभी हम आगे क्या देखते हैं हमें एक और करना है अभी हमें एक और क्या करना है कि उसको खेत से घर पहुंचने में कितना समय लगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे लिखना है कि अकॉर्डिंग टू ट्वेंटी फोर आर क्लॉक वन थर्टी इन द आफ्टरनून मीन्स थर्टीन थर्टी देखो अभी हम चौबीस घंटे की घड़ी में अगर देखेंगे डेढ़ बजे दोपहर के मतलब क्या होते हैं बारह के बाद एक नहीं बजते चौबीस घंटे की घड़ी में बारह के बाद तेरह बजता है तो मतलब तेरह बज के तीस मिनट ठीक है और जो सखारा हमें वो निकला कितने बजे था, था अपने खेत से साढ़े बारह बजे तो हम क्या करेंगे जो ये साढ़े तेरह बजे है मतलब थर्टीन आर थर्टी मिनट में से ट्वेल्व आवर थर्टी मिनट माइनस कर देंगे तो हमें बीच का टाइम मालूम पड़ेगा कि कितना समय उसे लगा अपने घर जाने में तो कैसे आप करोगे यहाँ पर आर हमारा है यहाँ पर मिनट है तो यहाँ पर हमारा थर्टीन आर यहाँ पर थर्टी मिनट यहाँ पर ठीक है और निकला कितने बजे था वो ट्वेल्व आवर थर्टी मिनट पर ठीक है तो माइनस करिए क्या मिलेगा देखो माइनस करो जीरो माइनस जीरो क्या होता है ज़ीरो थ्री माइनस थ्री क्या होता है तीन में से तीन निकालोगे क्या बचेगा कुछ भी नहीं मतलब जीरो पे थ्री है नीचे टू है तो थ्री माइनस टू क्या होगा तीन में से दो निकालोगे क्या बचेगा यहाँ पे आपका बचे होगा वन और यहाँ पे ऊपर वन नीचे वन तो वन माइनस वन क्या होगा एक में से एक निकालोगे क्या बचेगा कुछ भी नहीं मतलब जीरो तो मतलब सखाराम को कितना टाइम लगा घर पहुँचने में खेत से घर पहुँचने में सिर्फ एक घंटा ठीक है मिनट देखो कुछ भी नहीं सिर्फ एक घंटा लगा तो आप, आप यहाँगे पे मिला था मतलब तो सकार ने चार घंटे खेत को जोता और उसके बाद क्या उसको कितना टाइम लगा अपने खेत से घर जाने में ही टूक वन आवर टू रीच होम फ्रॉम द फील्ड और उसने कितना टाइम लिया एक घंटा लिया अपने खेत से घर जाने के लिए ओके तो हमारा फिफ्थ हो गया अभी चलो सिक्स पे चलते हैं अब देखो यहाँ पे सिक्स में क्या दिया गया है सिक्स में आपको बोल रहे हैं यहाँ पे आपको राम भाऊ सॉरी राम भाऊ स्टार्टेड द वाटर पंप एट टेन थर्टी एट नाइट अब क्या बोल रहे देखो यहाँ पे कि राम भाऊ जो है इन्होंने वाटर पंप जो पानी का पंप रहता है वो स्टार्ट किया साढ़े टेन थर्टी मतलब क्या होता है साढ़े दस बजे दस बजकर तीस मिनट रात में इन्होंने वाटर का पंप स्टार्ट किया एंड पुट इट ऑफ द सेम नाइट एट अ क्वार्टर टू ट्वेल्व और क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने उस पंप को उसी रात क्वार्टर टू टेल्व इतने टाइम पे बंद कर दिया देखो क्वार्टर टू ट्वेल्व मतलब क्या होता है जब देखो क्वार्टर टू ट्वेल्व बोल रहे हैं ना तो मतलब कि बारह बजने में पंद्रह मिनट बाकी है क्वार्टर मतलब क्या होता है एक चौथाई तो एक घंटे का आप एक चौथाई करोगे क्या होगा पंद्रह मिनट ठीक है ये आपको आग याद रखना है अगर क्वार्टर टू टेन लिखा है तो मतलब दस बजने में पंद्रह मिनट बाकी अगर क्वार्टर टू थ्री लिखा है मतलब तीन बजने में पंद्रह मिनट बाकी ठीक है ऐसे रहता है ठीक है तो बारह बजने में पंद्रह मिनट बाकी है मतलब क्या हो रहा है टाइम लेवन फोर्टी फाइव ठीक है ग्यारह बज के पैंतालीस मिनट हो रहे हैं तभी बारह बजने में पंद्रह मिनट बाकी रहेगा ना ठीक है तो क्या बोले हाउ लॉन्ग वॉज द वाटर पम्प ऑन अब आपको क्या पूछना है तो जो वाटर पम्प है जो पानी का पंप है वो कितने समय तक चालू रहा तो ठीक है कैसे करना है हमें ये जानने के लिए हम क्या करेंगे जो हमें यहाँ पे टाइम मिला है ग्यारह बज के पैंतालीस मिनट उसको हमें माइनस कर देना है टेन थर्टी जो दस बजकर तीस मिनट है उससे हमें माइनस कर देना है लेकिन हम ये कैसे करेंगे हम ये 24 घंटे की घड़ी पे करने वाले हैं तो मतलब 24 घंटे की घड़ी में क्या होगा ये सारे टाइम्स चेंज हो गए टेन थर्टी मतलब क्या हो जाएगा हमारा टेन थर्टी मतलब ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू थर्टी मिनट मतलब ट्वेंटी आवर्स ट्वेंटी टू आवर्स थर्टी मिनट कैसे होगा रुको मैं आपको बताता हूँ आप नोटबुक की तरफ चलो हम देखते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वाला हमारा है ये वाला हम कर रहे हैं सिक्स वाला तो यहाँ पे देखो क्या रहेगा टेन थर्टी एट नाइट तो टेन थर्टी मीन्स क्या होगा तो साढ़े दस बजे रात में मतलब क्या होगा चौबीस घंटे की घड़ी पे क्या होगा देखो मैंने आपको बताया कि चौबीस घंटे की घड़ी में दोपहर के बारह के बाद एक नहीं बजता क्या होता है तेरह बजते हैं तो देखो आ, तो अगर आप देखोगे दोपहर के बारह बजे के बाद क्या होगा तेरह बजेगा अब मैं आपको दो मिनट देखो दोपहर के बारह बजे के बाद क्या बजता है एक बजता है दो बजता है तीन बजता है चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस उसके बाद ग्यारह बारह ठीक है तो हम क्या करेंगे अब चौबीस घंटे की घड़ी पे देख रहे हैं तो दोपहर के बारह के बाद क्या बजेगा जब एक बजेगा तो बजेगा तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस मतलब कि जब रात के दस बजेंगे तो कितना टाइम होगा बाईस बाईस बजेंगे तो कितने यहाँ पे हो है साढ़े दस हो है तो मतलब बाईस बजकर तीस मिनट तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाईस बाईस बजकर तीस मिनट ठीक है ये हो गया साढ़े दस मतलब बाईस बाईस बजकर तीस मिनट अब देखो और क्या है अ क्वार्टर टू ट्वेल्व एट नाइट क्वार्टर टू ट्वेल्व मैंने आपको क्या बताया मतलब कि 11:45 फोर्टी फाइव 11 ग्यारह बज के पैंतालीस मिनट क्वार्टर टू ट्वेल्व मतलब कि बारह बजे में पंद्रह मिनट बाकी है वो कैसे होगा जब ग्यारह बज के पैंतालीस मिनट होंगे तो क्वार्टर टू ट्वेल्व हमारा देखो अलेवन फोर्टी फाइव मतलब क्या होगा इसका मतलब क्या होगा देखो तो यहाँ पे दस तक हमारा क्या हो रहा था बाईस बज रहा था तो बाईस के बाद क्या होगा ट्वेंटी टू के बाद क्या होगा ट्वेंटी थ्री तो मतलब ग्यारह पे जब आएंगे जब ग्यारह पे हम आएंगे तो ट्वेंटी थ्री बजेगा तो ग्यारह बज के कितने मिनट हो रहे हैं पैंतालीस मिनट मतलब ट्वेंटी थ्री आवर फोटी फाइव मिनट ठीक है ये हो गया हमारा अब देखो हमें क्या करना है अगर हमें जानना है जो वाटर पंप है कितने टाइम तक ऑन था तो हमें ये जो हमारा साढ़े दस बजे है मतलब बाईस बज के तीस मिनट इसको हमें ये सा ग्यारह बजकर पैंतालीस मिनट मतलब तेईस बजकर पैंतालीस मिनट से माइनस कर देना है ठीक है तो कैसे करेंगे हम देखो यहाँ पे हमारा आर आएगा और यहाँ पे मिनट आएगा ठीक है तो आर हमारा पहले देखो कितना है आ, हमें एवन आर फोर्टी फाइव मिनट से माइनस करना है ना तो क्या है वो ट्वेंटी थ्री आर है और मिनट कितना फोर्टी फाइव मिनट है अब इससे हम माइनस क्या करेंगे ट्वेंटी टू आवर्स थर्टी मिनट तो हमारा ये ट्वेंटी टू आर यहाँ पर आएगा और ये थर्टी मिनट हमारा यहाँ पर आएगा ओके तो चलो अभी माइनस करते हैं तो फाइव माइनस जीरो क्या होता है पांच में से जीरो निकालोगे क्या बचेगा पांच ही बचेगा तो फाइव तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या है आपको फोर नीचे थ्री तो फोर माइनस थ्री क्या होगा तो आप चार उंगली निकालो इसमें से थ्री कम करो वन टू थ्री कितना बचाओ वन दैट मीन्स फोर माइनस थ्री आपका होगा वन ठीक है अब देखो यहाँ पे आर्मी जब आप आओगे यहाँ पे देखो थ्री या नीचे टू है तो थ्री माइनस टू क्या होगा तीन में से दो निकालो देखो तीन उंगली है दो कम करो वन टू कितना बचाओ वन तो वन आएगा 2 माइनस टू क्या होगा दो में से दो निकालोगे क्या बचेगा कुछ भी नहीं मतलब जीरो तो यहाँ पे हमें क्या मिला मतलब कि आ, कितने टाइम तक तो जो पंप था वाटर पंप चला कितने टाइम तक वन आवर फिफ्टीन मिनट इतने टाइम तक तो वाटर पंप चला ठीक है तो आप फाइनल आंसर क्या लिख दोगे रंभू केप्ट क्या रहेगा राम केप्ट द पंप ऑन फॉर वन आवर फिफ्टीन मिनट मतलब कि जो राम थे उन्होंने वाटर पंप को एक घंटा पंद्रह मिनट एक घंटा पंद्रह मिनट चालू रखा ठीक है सिक्स हो गया नाउ लेट्स गो टू सेवेंथ देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेवेंथ में क्या दिया गया है सेवन में हमको गीता टॉट इन द क्लास रूम फॉर टू आवर्स एंड ट्वेंटी फाइव मिनट्स इन द मॉर्निंग क्या बोला जो गीता है ये क्लास में पढ़ाया गया दो घंटा पच्चीस मिनट कभी सुबह में एंड वन आवर फोर्टी फाइव मिनट इन द आफ्टरनून और कब पढ़ाई गई एक घंटा फोर्टी फाइव मिनट आफ्टरनून में दो घंटा पच्चीस को एक घंटा पैतालीस उसने कितने घंटे क्लास रूम में पढ़ाया ये जानने के लिए हमें सिंपली क्या करना है जितने घंटे उसने सुबह पढ़ाया उसको जितने घंटे दोपहर को पढ़ाया उसमें एड कर देना है तो कैसे करेंगे एकदम सिंपल है देखो अगले पेज में चलते यहाँ पे देखो कल देखो यहाँ पे आर लिखना यहाँ पे मिनट उसने सुबह कितने घंटे पढ़ा है दो घंटा पच्चीस मिनट सुबह पढ़ा है और दोपहर में कितना पढ़ा है एक घंटा पैंतालीस मिनट तो दोनों को ऐड कर देना तब तो हमें मालूम पड़ेगा उसने तो कितना समय पढ़ाया तो देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या है फाइव है नीचे फाइव है तो फाइव प्लस फाइव क्या होता है टेन मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा जीरो और यहाँ पे क्या टू है नीचे फोर है टू प्लस फोर क्या होता है सिक्स यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा सिक्स आएगा लेकिन यहाँ पे जो जीरो देखो फाइव प्लस फाइव क्या होता है टेन तो यहाँ पे जीरो और वन यहाँ पे कैरी ओवर टेन का वन कैरी ओवर टू प्लस फोर क्या होता है सिक्स सिक्स में जो कैरी ओवर है वन जोड़ो क्या हो जाएगा सेवन तो यहाँ पे हो जाएगा 70. अब देखो यहाँ पे आर में ऊपर कितना टू नीचे वन टू टू प्लस वन क्या होगा थ्री मतलब गीता ने क्लासरूम में कितना पढ़ा है तीन घंटा सत्तर मिनट लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आपको मैंने आपको बताया कि मिनट में अगर साठ मिनट से ऊपर गया तो हम क्या करेंगे साठ मिनट में से जो जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसमें से हम साठ मिनट निकालेंगे उसको एक घंटा बनाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो सत्तर मिनट में से जो देखो आप साठ मिनट निकालोगे तो कितना मिनट बचेगा -बच दस मिनट मतलब कि यहाँ पे सत्तर मिनट में क्या होगा आपको अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे हमारा है सत्तर मिनट पे हमारा है वन आर मतलब कि साठ मिनट को हमने वन आर लिखा और कितना बचेगा दस मिनट टेन मिनट ओके तो यहाँ पे देखो अभी जो आपको मिला है वन आर टेन मिनट अब ये वन आर जो है हमारा थ्री में ऐड हो जाएगा तो आप कैसे लोगोगे थ्री आर सेवेंटी मिनट देर फोर थ्री आर सेवेंटी मिनट इज इक्वल टू थ्री ये थ्री प्लस जो सेवेंटी में से हमने वन आर निकाला है वो प्लस वन और ये टेन मिनट वैसे का वैसे ही रहेगा तो थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा फोर ठीक है तो हमारा ये हो जाएगा फोर आर और यह टेन मिनट वैसे ही रहेगा टेन मिनट ठीक है तो आंसर क्या रखो आप गीता टॉट फॉर फोर, फोर आवर्स टेन मिनट मतलब तो गीता ने क्लासरूम में चार घंटे दस मिनट पढ़ाए ठीक है थीके? चलो भी अब हमारा सेवेंथ हो गया अब एट्थ देखते हैं एट एथ में देखो आपको क्या दिया गया है यहाँ पे एट्थ में आपको है इफ अ बैंक इज ओपन फॉर बिजनेस फ्रॉम टेन इन द मॉर्निंग टू फोर थर्टी इन द इवनिंग हाउ लॉन्ग इज इट ओपन देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर एक बैंक है जो सुबह के दस बजे खुला है और शाम के खुला सुबह के दस बजे और शाम के साढ़े चार बजे बंद हुआ तो कितने समय तक खुला uh, तो, तो देखो ये हमें ट्वेंटी फोर आवर घड़ी में करना पड़ेगा ठीक है देखो तो सुबह के दस बजे तो ट्वेंटी फोर आवर घड़ी में सेम रहेगा सुबह के जो समय रहता है चौबीस घंटे घड़ी में वही रहता है जो हम देखते हैं लेकिन शाम के साढ़े चार बजे को हम साढ़े चार बजे नहीं बोलेंगे क्योंकि दोपहर के बारह बजे के बाद एक नहीं बजता है चौबीस घंटे घड़ी में दोपहर के बारह बजे के बाद तेरह बजता है ठीक है तो साढ़े चार बजे मतलब कितना हो जाएगा देखो तो बारह के बाद एक दो तीन चार मतलब कितना हो जाएगा बारह के बाद तो एक नहीं तेरह बजता है तो तेरह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह बजता मतलब कि सोलह बज के तीस मिनट होगा ठीक है तो ये कैसे लिख कैसे लिखोगे आप मैं देखो बताता हूँ आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो आप सोल्यूशन लिखोगे इस तरीके से आप देखोगे अकॉर्डिंग टू ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक फोर थर्टी इन द इवनिंग मीनस सिक्सटीन आर थर्टी मिनट ये मैंने आपको बताया कि चौबीस घंटे की घड़ी के हिसाब से शाम के साढ़े चार बजे शाम के साढ़े चार बजे मतलब कितना सोलह घंटा तीस मिनट मतलब सोलह बज के तीस मिनट तो हम क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दस बजे को सोलह बज के तीस मिनट पर क्योंकि देखो सुबह के सुबे, दिन शुरू कब होता है जब ही रात में बारह बज के जाते एक जब बजता है वहाँ से शुरू होता है तो एक बजे से सुबह जब एक बजे से लेके एकदम सुबह के दस बजे तक कुछ भी नहीं हुआ तो मतलब हम ये जो हमारा टाइम है इसको माइनस कर देंगे हम सिक्सटीन आर थर्टी मिनट से मतलब जब तक बैंक खुला था वो समय तक हम उसको माइनस कर देंगे तब हमें पता चला चलेगा कि वो बैंक कितने टाइम खुला था तो हमारा सिक्सटीन थर्टी इतने टाइम तक बैंक खुला था अब देखो हमें क्या करना है जो दस है उसको माइनस कर देना है टेन आर को तो माइनस करेंगे हम तो हमारा देखो ये सिक्सटीन आर यहाँ पे मिनट के नीचे थर्टी मिनट और टेन आर में देखो टेन आर यहाँ पे और मिनट में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे जीरो जीरो अब देखो जीरो माइनस जीरो क्या होगा जीरो थ्री माइनस जीरो क्या होगा थ्री सिक्स माइनस जीरो क्या होगा सिक्स वन माइनस वन क्या होगा जीरो मतलब कि बैंक कितने समय तक खुला था सिक्स आवर थर्टी मिनट तो फाइनल आंसर कैसे लिख दोगे द बैंक रिमेन्स ओपन फॉर सिक्स आवर्स थर्टी मिनट मतलब कि जो बैंक था वो छः घंटे तीस मिनट खुला रहा ठीक है चलो अभी नाइन्थ पे चलते हैं नाइन्थ में देखो आपको क्या दिया गया यहाँ पे आपको बोल रहे हैं इफ़ अ शॉप इज ओपन फ्रॉम नाइन थर्टी एम टू टेन पी एम हाउ लॉन्ग इज़ इट ओपन देखो क्या बोल रहे हैं अगर एक दुकान है जो सुबह के साढ़े नौ बजे खुलती है और रात के दस बजे बंद होती है तो कितने समय तक तो वो खिली खुली रही तो ये हमें जानने के लिए सेम वही यही वही करना है यहाँ पे क्या करना है देखो हमें सुबह के साढ़े नौ बजे तो साढ़े नौ बजे ही रहेंगे चौबीस घंटे की घड़ी में लेकिन रात के दस बजे जो रहें रहेगा वो चौबीस घड़ी चौबीस घंटे की घड़ी में कितना रहेगा ये बाईस बजे बाईस ठीक है ट्वेंटी टू आवर रहेगा तो हम इसको पहले चौबीस घंटे की घड़ी में कन्वर्ट करेंगे और ये साढ़े नौ है मतलब कि सुबह के एक बजे से लेके दोपहर सुबह के, दो के साढ़े नौ बजे तक कुछ भी नहीं हुआ है वो शॉप बंद थी तब तक साढ़े नौ बजे खुली मतलब साढ़े नौ को हम माइनस कर देंगे तब हमें पता चलेगा कि शॉप कितने बजे तक खुली थी ओके तो कैसे करोगे आप देखो यहाँ पर तो आप देखो पहले अकॉर्डिंग टू ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक टेन पी एम मीन ट्वेंटी टू देखो क्या बोले को? कि चौबीस घंटे की घड़ी के हिसाब से रात के दस बजे मतलब कितने बज रहे हैं बाईस बज रहे हैं ठीक है थीके? अब देखो हमें क्या करना है ये साढ़े नौ बज रहे हैं इसे हमें ट्वेंटी टू आवर्स से सब ट्रैक करना है ठीक है तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे आर यहाँ पे मिनट पहले देखो क्या है आर के नीचे ट्वेंटी टू आर मिनट कितने हैं कुछ भी नहीं जीरो जीरो तो जीरो जीरो मिनट उसके बाद हमें क्या करना है नाइन थर्टी आवर्स को इससे माइनस करना है तो नाइन हमारा आर के नीचे एंड थर्टी मिनट हमारा मिनट के नीचे लेकिन देखो यहाँ पे क्या है ऊपर देखो कुछ भी नहीं है नीचे तीस मिनट है तो हम माइनस नहीं कर सकते तो ये क्या करेगा अपने बाजू वाले से बोरो करेगा उधारी मांगेगा तो ये जो बाईस घंटा अपना एक घंटा ये लोग को दे देगा तो जब भाई ये अपना बाईस घंटे में से एक घंटा देगा खुद खुद बन जाएगा इक्कीस घंटा लेकिन जब एक घंटा यहाँ पे जाएगा तो ये मिनट में लिखना है हमें तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं साठ मिनट तो ये हो जाएगा साठ ठीक है ये बन जाएगा साठ अब देखो सिक्सटी में से हम थर्टी माइनस कर सकते हैं ठीक है ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा हो गया तो जीरो माइनस जीरो क्या होगा जीरो सिक्स माइनस थ्री क्या होता है छ में से तीन निकालोगे क्या बचेगा तीन बचेगा ना मतलब थ्री हमारा आ जाएगा यहाँ पे उसके बाद देखो हमारे यहाँ पे क्या ट्वेंटी वन आ रहा है यहाँ पे नाइन है तो ट्वेंटी वन में से नाइन माइनस करोगे क्या बचेगा देखो उतना आप कन्फ्यूज मत हो हम इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं यहाँ पे देखो ट्वेंटी वन है तो यहाँ पे टू है यहाँ पे वन है तो वन माइनस नाइन क्या होगा वन में से नाइन माइनस नहीं होगा क्योंकि वन क्या है नाइन से छोटा है तो ये वन जो रहेगा ये बाजू से बोरो करेगा तो ये जो टू है अपना वन इसको दे देगा तो ये बन जाएगा एलेवन और ये खुद बन जाएगा वन तो एलेवन माइनस नाइन क्या होता है अब देखो इलेवन माइनस नाइन क्या होगा ग्यारह में से नौ निकालोगे क्या बचेगा दो बचेगा ना नौ के बाद देखो दस ग्यारह टू बचा यहाँ पर टू लिख दो यहाँ पर टू लिख दो उसके बाद देखो यहाँ पे क्या वन है यहाँ पे वन बचा क्योंकि इसने टू ने अपना वन इसको दे दिया था तो ये नीचे देखो कुछ भी नहीं है तो ये वन जो रहेगा ये ये सेम टू सेम नीचे आ जाएगा तो मतलब कि शॉप कितने टाइम तक खुली थी बारह घंटे तीस मिनट तक ठीक है तो फाइनल आंसर कैसे लिख दोगे यहाँ पे द शॉप इज़ ओपन फॉर ट्वेल्व आवर्स थर्टी मिनट्स ओके ये आपका फाइनल आंसर है अब दो हमारा जो लास्ट है प्रॉब्लम सेट फोर्टी फाइव उसकी तरफ चलते हैं क्या दिया देखो यहाँ पे इफ़ द महाराष्ट्र एक्सप्रेस लिविंग फ्रॉम कोल्हापुर एट फिफ्टीन थर्टी अराइव एट गोंदिया द नेक्स्ट डे एट ट्वेंटी फिफ्टीन हाउ लॉन्ग इज द जर्नी फ्रॉम कोल्हापुर टू गोंदिया देखो यहाँ पे क्या बोला कि एक महाराष्ट्र एक्सप्रेस एक ट्रेन है जो कोल्हापुर से निकली पंद्रह बज के तीस मिनट पर ठीक है पंद्रह बज के तीस मिनट पर निकली है मतलब कितने बजे निकली है साढ़े तीन बजे निकली है दोपहर में ठीक है और ये अगले दिन गोंडिया पहुंची है कितने बजे बीस बज के पंद्रह मिनट पर तो इस सफ़र को इस यात्रा को कितना टाइम लगा कोल्हापुर से गोंडिया को तो देखो सिंपल है कैसे करना है पहले आपको देखना है कि जब आ, निकली थी ट्रेन पंद्रह बज के तीस मिनट पर तो उस दिन कितने टाइम चली ठीक है वो आपको देखना है उसके बाद क्या करना है दूसरे दिन तो हमें पता है ट्रेन कितने टाइम चली है बीस घंटा पंद्रह मिनट दूसरे दिन चली है ठीक है तो बीस घंटा पंद्रह मिनट में हम इस टाइम को ऐड कर देंगे जितना पिछले दिन वो चली रहेगी ठीक है तो कैसे करना है यहाँ पे आप लिखोगे फर्स्ट फाइंड द टाइम फ्रॉम फिफ्टीन थर्टी टू ट्वेंटी फोर मतलब कि पहले हमें यह ढूंढना है कि फिफ्टी थर्टी का जब ट्रेन चली तो चौबीस घंटे जब पूरे हुए तो कितने टाइम तक चली तो हमें ये जानने के लिए क्या करना है चौबीस घंटे में से फिफ्टी थर्टी को माइनस कर देना है कैसे करेंगे यहाँ पे आर यहाँ पे मिनट तो यहाँ पे हमारा ट्वेंटी फोर आर आ जाएगा मिनट कितना है जीरो जीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो जीरो मिनट के नीचे फिर यहाँ पे हमारा आर कितना रहेगा फिफ्टीन जब ट्रेन चली थी फिफ्टी आर हो रहा था और मिनट कितना हो रहा था थर्टी मिनट तो इसको माइनस करके हमें मालूम पड़ेगा ट्रेन कितने टाइम चलिए ओके अभी देखो यहाँ पे नीचे आपका तीस मिनट है ऊपर एक भी मिनट नहीं है मतलब हम माइनस नहीं कर सकते तो ये लोग जो है जाके यहाँ पे बोरो करेंगे उधारी मांगेंगे तो ये फोर जो है अपना वन ये लोग को दे देगा तो ये खुद बन जाएगा थ्री और ये जीरो जीरो जो है ये देखो यहाँ पे यहाँ से क्या जाएगा वन क्या आ जाएगा वन घंटा जाएगा एक घंटा जाएगा ठीक है तो मतलब एक घंटा यहाँ पे आके क्या बन जाएगा मिनट में यहाँ पे हमें लिखना है तो एक घंटा कितना होता है साठ मिनट ठीक है तो अब हम माइनस करते हैं ज़ीरो माइनस जीरो क्या होगा ज़ीरो सिक्स माइनस थ्री क्या होता है थ्री तो तीस मिनट मिला अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या ये जो चार घंटे था इसने अपना एक घंटा ये लोग को दे दिया था खुद बन गया था तीन घंटा थ्री माइनस फाइव हो सकते हैं क्या नहीं क्योंकि नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से बड़ा है तो ये थ्री आर जो है ये अपने बाजू वाले से मांगेगा कि एक घंटा मुझे दे दो तो ये 2 जो है अपना वन इसको देगा तो ये खुद बन जाएगा वन और ये थ्री बन जाएगा थर्टीन ठीक है अब थर्टीन माइनस फाइव हम कर सकते हैं तेरह में से पाँच निकालोगे क्या बचेगा देखो थर्टीन में से आप जब फाइव निकालोगे तो कितना बचेगा देखो थर्टी में पहले टेन आता है फिर एलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो, तो उधर का थ्री निकालो आप थर्टीन का थ्री निकालो कितना बजेगा टेन आप टेन में से टू निकाल दो कितना बचेगा एट तो यहाँ पे आपका जाएगा एट ओके अब देखो यहाँ पे तो वन है ऊपर क्योंकि इसने अपना वन इसको क्या कर दिया था उधार ही दे दिया था तो ये वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो तो मतलब ट्रेन कितने टाइम चलिए एट आर थर्टी मिनट ये कौन से दिन चलिए जिस दिन निकली थी अब दूसरे दिन जो ट्रेन थी वो कितने टाइम तक चली थी अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे दूसरे दिन जो ट्रेन थी वो करीब बीस घंटा पंद्रह मिनट चली थी देखो एक दिन तो चली थी पंद्रह तीस मिनट पर निकली थी तो उस दिन के बाद दूसरे दिन भी ट्रेन बीस घंटा पंद्रह मिनट चली तो हम क्या करेंगे अभी हमें जो ये टाइम मिला है आठ घंटा तीस मिनट पिछले दिन चली है और उसके दूसरे दिन जो चली है उसमें ऐड कर देना है तो कैसे करोगे आप यहाँ पर तो कैसे करोगे आर और मिनट यहाँ पर आठ घंटा तीस मिनट हमने निकाला है आठ घंटा मिनट इसमें ऐड कर देना हमें बीस घंटा पंद्रह मिनट ऐड कर देंगे ठीक है तो कैसे करेंगे देखो जीरो प्लस फाइव क्या होता है फाइव थ्री प्लस वन क्या होता है फोर एट प्लस जीरो क्या होगा आठ में जीरो ऐड करोगे क्या होगा आठ रहेगा अब टू देखो यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है नीचे टू है तो ये सेम टू सेम आ जाएगा मतलब हमारी ट्रेन चली है अट्ठाइस घंटा पैंतालीस मिनट तो आप फाइनल आंसर कैसे लिख दोगे आप यहाँ पे यहाँ पे आप लिख दोगे द जर्नी फ्रॉम कोल्हापुर टू गोंडिया टेक्स ट्वेंटी एट आवर्स फोर्टी फाइव मिनट मतलब कि जो यात्रा थी कोल्हापुर से गोंडिया तक वो उसको समय लगा अट्ठाईस घंटा पैंतालीस मिनट ठीक है तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम सेट फोर्टी फाइव कम्प्लीट हो रहा है जो काफ़ी लंबा था अब इसको अच्छे से पढ़ लो और प्रैक्टिस कर लो ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके अच्छे मार्क्स है अभी मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू